और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई कनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूं और मेहमानदारी भी खूब करता हूं? अब अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को फुसलाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके सामान में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलोयाल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहां आए। बस जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं।